यीशु दूसरी कहानी न उनसे शिक्षा देते। यीशु ने परमेश्वर के राज्य के बारे में कई दूसरी बहुत सी कहानी न उनको सुनाई। उदाहरण के गुना उन्हें कही, परमेश्वर को राज्य एक राई के बीजा के सारखो है, जेने ओको कोई ने अपने खेत में पेर दे। तुम जानते हो कि राई को बीज सप्पाई बीज नाउन में से सबसे छोटो होते, पर जब राई को बीजा उग जाते तो वो बगीचा के सप्पाई झाड़ में से सबसे बड़ो हो जाते, इतनो बड़ो कि पक्षी आय के ओकी डगाली पे आराम करता। यीशु ने एक और दूसरी कहानी बताई, परमेश्वर को राज्य खमीर के सारखो है, जेको एक बाई ने लेके आटा में मिला देते, तब हु पूरे आटा में मिल जाते। स्वर्ग को राज्य हु खजाना के सारखो है, जेको कोई ने खेत में लुका दे और कोई दूसरे मानुष को हु खजाना मिल गई और ओने ओको पान की बहुत कोशिश करी, एके गुना ओने ओको दोबारा से गाड़ दे। हु खुशी से इतनो भरो होतीस कि ओने जाय के अपनो सब कई बेच दे, ताकि हु वह खेत को खरीद सके जहाँ पे हु खजाना होती। स्वर्ग को राज्य एक बड़ो कीमती पेवर मोती के सारखो भी है, जब कोई मोती ना उनको व्यापारियों को ढूंढ के पा लेते तो हु वो को खरीदन के गुना अपनो सब कई बेच देते। वहाँ पे कई लोग होती जो सोचत होती कि परमेश्वर हुन को ग्रहण करे, काया की ही लोग भलाई के काम करत होतीन, ही लोग ऐसे लोग ना उनको तुच्छ मानत होतीन, जो हुन भले काम ना उनको नी करत होतीन। एके गुना यीशु ने उनको वा या कहानी बताईस, दो मानुष होतीन और दो ही प्रार्थना करण के गुना मंदिर में गईन, उनके में से एक चुंगी लेन वालो होतीस और दूसरो मानुष एक धार्मिक अगुवा होतीस। वो धार्मिक अगुवा ने या तरीका से प्रार्थना करीस, हे परमेश्वर तोरो धन्यवाद हो कि मैं अन्य लोग नाउन के सार को, जसो कि डाकू अन्यायी मानुष बुरी लक्षण करण वाले या यहाँ तक कि यहाँ पे थाड़ो हु चुंगी लेन वाले के सार को एक पापी मानुष नियाम। उदाहरण के गुना मैं हर हफ्ता में दो बार उपास रखतम और मैं मोको मिलन वाले धन और सामान को दसवो हिस्सा भी तो को देतम, पर हु चुंगी लेन वालो मानुष हु धार्मिक अगुआ से बहुत दूर थाड़ो होतीस, ओने ऊपर स्वर्ग के किना अपनी आँखी भी नी उठाई, एके बजाय ओने अपनी मुट्ठी से अपने छाती को पीटीस और प्रार्थना करीस कि हे परमेश्वर दया करके मोरे पे दया कर, काया कि मैं एक पापी मानुष आम। फिर यीशु ने कहीस, मैं तुम्हारे से सच कहतम, परमेश्वर ने हु चुंगी लेन वाले की प्रार्थना को सुनीस और ओको धर्मी घोषित करीस, पर ओने हु धार्मिक अगुवा की प्रार्थना को पसंद नहीं करीस। परमेश्वर हर कोई मानुष के घमंड के मुंडी को नीचो करे, पर हु हर कोई हु मानुष को आदर दे जो खुद को नम्र करते।